मैडम घर पानी में है तो कब तक बर्दाश्त करना मैडम। 2020 से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारी अम्मा करेंगे काम। अम्मा तुम अथवा को अम्मा बोलते, हमारी बस्ती की अम्मा है तुम, हम अभी कितना रिक्वेस्ट करना अम्मा, हमारे हालात को समझो। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद के रिहायशी इलाके उस्मान नगर में यूम आज़ादी के मौके पर, यानी 75वीं यूम आज़ादी के मौके पर, जहां पर अवाम ने अपने घर में, घर जो तालाब में तब्दील हो गया है, तालाब के अंदर झंडा चढ़ा दिया है। जी हां नाज़रीन, मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, उस्मान नगर में पानी ही पानी आ गया है। 2020 से घरों में पानी जो दाखिल हुआ है बारिश की वजह से, वो पानी की तोसी अभी तक नहीं हुई, जहाँ पर पानी में डूबे हुए आधे आधे डूबे हुए घर अभी भी मौजूद है। जहाँ पर 15 अगस्त 2022 यानी कल के रोज़ उस्मान नगर के लोगों ने पानी में ही तिरंगे को लहरा दिया। अब ये सोचने वाली बात है, क्या तेलंगाना हुकूमत इस चीज़ को देखकर थोड़ा ये लोगों के हक़ में राहत पहुंचाने का काम करेगी, या वहाँ के एमएलए जो सबिता इंद्रा रेड्डी है और इस वक्त के मौजूदा मिनिस्टर भी है, एजुकेशन मिनिस्टर भी है, क्या उन्होंने इस चीज़ पर तवज्जो देंगे? वहाँ की आवाम उनसे गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट कर रही है, खुसूसन सबिता इंद्रा रेड्डी वहाँ के एमएलए से, और ख्वातीन हजरात भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर उन्होंने क्या तवज्जो देंगे वो आगे देखने वाली बात है। अहम तरीन ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए नया इनकलाब न्यूज़ को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। मैं मोहम्मद हाजिली, आप देख रहे हैं नया इनकलाब न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सविता रेड्डी मैडम, आज हमारा देश आज़ाद होके आज हम वो दिन बना रहे हैं। आज हम 3 साल से जैसो उस्मान नगर पानी से झेलते हुए आ रहे हैं, हमको इसके से भी आज़ादी दिलाई दीजिए। आज हम बहुत परेशान हैं, परेशान हालतों में हैं, फिर भी हम आपको ही बोल रहे हैं, आपका आप एरिया के हैं तो आप जल्दी से काम कीजिए। हम लोगों को भी यहाँ पे, हम लोग भी दिल से बहुत बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा। हम ये पानी कब तक हमारे घरों में उनको तिरता हुआ देखेंगे, आखिर हम कब तक ये मुसीबत उठाएंगे? मैडम आप थोड़ा तो आप हमारे वादे नको करो, आप काम करके बताओ हमारे को, आप हमारे दिल की तकलीफ को समझो। आप हम क्या मुसीबत उठा रहे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को कितने बार दवाखानों को लेके जा रहे, कितने बार फिर रहे, हम अगर पैसे नहीं, हालात हमारे माशी हालात ख़राब है। आज हमारे बहुत परेशान है, हम आज जैसा देश को आज़ादी मिली बोल के जैसा हम सब खुश है, पूरे हिंदुस्तान में पूरी खुशी मना रहे, आज हम उस्मान नगर में गम मना रहे कि हम फिर भी हम देश की खुशी भी मना रहे हैं और हमारा गम भी मना रहे। सिर्फ ये गम को मिटाने वाली सिर्फ आप ही है। आप आइए मैडम, आपसे दरख्वास्त है, आप आइए मैडम, या हमारे आंसू देखना चाह रहे, आप आइए मैडम, हम आपके हाथ में हाथ रख के हमारे आंसू भी बताएंगे, हम किस परेशान हाल में है, आप हमारे हालात समझिए। आप आते वहां चल जाते, आप ये मोहरियों में से आइए मेरे यहाँ पे, देखिए कहीं की क्या क्या सहूलत है आपके एरिया में, आपके लोग कैसे हैं, आप इतना पैसा सैंक्शन हो रहा तो आपका पैसा लग रहा नहीं लग रहा। आप आइए मैडम, अंदर तक आके देखिए मैडम, हमारी बस्ती इतने साल 25-30 साल हो रहा डेवलप होके, आज भी हमारे यहाँ पे डेवलपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे मोहरियों में गिरते पड़ते, स्कूल से आते गिरते पड़ते स्कूल को जाते, हम फिर भी 30-35 साल से ये जैसो हम बर्दाश्त कर लिए मैडम। मैडम घर पानी में है तो कब तक बर्दाश्त करना मैडम? 2020 से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारी अम्मा करेंगे काम। अम्मा तुम अथवा को अम्मा बोलते, हमारी बस्ती की अम्मा है तुम, हम अभी कितना रिक्वेस्ट करना अम्मा, हमारे हालात को समझो, हमारी तकलीफ को समझो। आप कब हमारे हालात पूरे करेंगे? क्या हम दिल बर्दाश्त हो गए हम ये पानी में डूबके मर गए तो जब हमारे को समझेंगे क्या मैडम? बोलो आप वो देखना चाह रहे मैडम, हम कितना बोलना मैडम आपको, बोल बोल के हम कितना करेंगे? आमने सामने बैठ के बात करें मैडम, वादा करें आप, वादा करके भी 15-20 दिन हो गया, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ मैडम, क्या करना मैडम बोलो? अब ऐसा दिल हो रहा मैडम, बच्चों को भी ये पानी में डाल देना, हम भी ये पानी में डाल सो जाना बोल के हो रहा, अभी कितना